व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार रहने वाला है और आप लोगों के चक्षु खोलने वाला है, क्योंकि हम लोग यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर लास्ट में हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जहां पर आप लोगों को डिफरेंस नजर आएगा राज्यसभा में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहां पर लोकसभा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू राज्यसभा, पर लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं दी जाती कि उसको बहुत ज्यादा हम लोग मान लें, क्योंकि वहां पर फाइनेंशियल मैटर में ओनली ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा जब बात आती है ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो राज्यसभा को ज्यादा पावर दी जाती है। अगर डेडलॉक बन जाता है तो ज्वाइंट सिटिंग से वहां पर हम लोग उसको सोल्व करते हैं। तो राज्यसभा को मिला जुलाकर लोकसभा के इक्विवेलेंट माना जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। पर लेकिन इस तरीके का दर्जा लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद को नहीं दे रखा है विधानसभा के कंपेयर में, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेजिस्लेटिव असेंबली के इक्विवेलेंट नहीं माना जाता है। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को कम दर्जा दे रखा है एज कंपेयर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम लोग इन्हीं दोनों को कंपेयर करके थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगा कि वहां पर किस तरीके से दो चैंबर है और किस तरीके से वहां पर वर्क करते हैं, हल्का सा आइडिया उसका भी दूंगा। और दोनों में कंपेयर करेंगे राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस तरीके से दोनों की पावर कहां कहां पर डिफरेंस क्रिएट करती है। तो काफी शानदार हमारा डिस्कशन रहने वाला है, आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर में आप लोगों को इतनी बार दिखा चुका हूं, अब तो आप लोगों को ये रट भी गई होगी, फिर से एक बार देख लेते हैं। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं राज्यसभा, यहाँ ये वाला चैम्बर है, और नीचे हो गया ये विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। तो इन दोनों चैम्बर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आखिर इन दोनों चैम्बर्स के बारे में ही क्यों, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर बात करते हैं लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की, इनकी तो पावर लगभग आप लोग इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगी। जितने भी लेवल पर आप लोग पावर देखेंगे इनकी, हर एक लेवल पर लगभग आप लोगों को इक्विवेलेंट नजर आएगी, हर एक लेवल पर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। पर लेकिन जब बात करते हैं राज्यसभा की और यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की, इन दोनों की पावर में कई बार कंफ्यूजन रहता है, इन दोनों के वर्क का जो लेवल रहता है उनमें कई बार कंफ्यूजन रहता है। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग तो कई सारी क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में निकल कर आएगी, तो इन दोनों पर फोकस हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये वर्ड देखिए, राज्यसभा को सेकंड चैम्बर बोला जाता है, सेकंड चैम्बर फर्स्ट चैम्बर आप लोग ये समझ सकते हैं, मतलब सेकंड बोला जा रहा है इसको, सेकेंडरी नहीं बोला जाता है। सेकेंडरी का मतलब होता है सबोर्डिनेट, पर सेकंड का मतलब होता है कि पहला एक आदमी हो गया, दो आदमी हो गया, तीन आदमी हो गया, मतलब मान लीजिए चार आदमी यहां पर लाइन में खड़े हुए हैं, तो चारों आदमी का अपना अपना अस्तित्व है। ये एक आदमी हो गया, ये दूसरा आदमी हो गया, तीसरा आदमी हो गया, चौथा आदमी हो गया, ठीक है, सब अपनी जगह अपनी अपनी इंपोर्टेंस रखते हैं। पर लेकिन जब यहां पर बात आती है, अगर ये बोलते ये प्राइमरी पर्सन हो गया, ये मान लीजिए डीएम हो गया, ये इसके नीचे कोई सबोर्डिनेट इसका एम्प्लॉय हो गया, तो उसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे फिर, ठीक है ना। सेकेंडरी सर्विस आप लोग इस तरीके से सुना भी होगा आप लोगों ने, ए ग्रेड की सर्विस हो गई, ये बी ग्रेड की सर्विस हो गई। तो यहां पर जब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं तो यहां पर ये सेकेंडरी और टर्सरी वाला डिफरेंस आ जाता है। और जबकि बात करते हैं अगर नॉर्मली राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, तो वहां पर बोलते हैं ये पहला इंसान है, दूसरा इंसान है, तीसरा इंसान है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से ज्यादा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से कम है किसी भी तरीके से। जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में ये दोनों टर्म है हम लोग यूज कर लेते हैं आराम से, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को पहले माइंड में क्रिएट करना चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो आप लोगों को नजर आएगा सेकेंडरी चैम्बर, और राज्यसभा आप लोगों को बोलेंगे सेकंड चैम्बर। पहला डिफरेंस तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब आगे आगे आप लोगों को डिफरेंस यहां पर नजर आएगा। सबसे पहले आप लोगों ने राज्यसभा का दूसरा नाम सुना होगा, वो क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। मतलब आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में एक संघवाद का ढांचा फॉलो करती है, फेडरल सिस्टम फॉलो करके चलती है, 29 स्टेट है, 7 यूनियन टेरिटरी है, सब अपने अपने एरिया में अपना अपना काम अच्छे से करते हैं और सब सेंटर के साथ में कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो सेंटर में रिप्रेजेंटेशन कहां पे होती है, तो स्टेट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो आप लोगों को नजर आएगी यहां पर राज्यसभा में, इसीलिए राज्यसभा को आप लोग काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, और जबकि लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। वहां पर जो लोग चुन के जाते हैं लोकसभा में, वो जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे वहां पर जाते हैं, हमारे द्वारा चुने गए इंसान वहां पर भेजे जाते हैं, पर राज्यसभा में इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन होता है, यहां पर स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने राज्यसभा यहां पर रहती है। तो राज्यसभा में आप लोगों को एक फेडरल सिस्टम नजर आएगा यहां पर, जबकि ऐसा कुछ आप लोगों को स्टेट की काउंसिल में नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर इसलिए आप लोग बोलेंगे कि राज्यसभा की ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू स्टेट की काउंसिल की। फेडरल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है, पर लेकिन यहां पर यह काम आप लोगों को नजर नहीं आएगा स्टेट की काउंसिल में।
क्योंकि यहाँ पे स्टेट का इंटरेस्ट सामने रखा जाता है। ऊपर से जब बात करते हैं हम लोग ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो ऑल इंडिया सर्विस की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी यहाँ पर वैकेंसी निकल के आनी है वो अप्रूव ओनली राज्यसभा के द्वारा की जाती है, उसमें लोकसभा की पावर आप लोगों को नजर नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और वही जो ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर आप लोगों के सामने नजर आते हैं वो फिर काम करते हुए कहां पर जाते हैं, स्टेट में काम करते हैं, आप लोगों को देखने को मिल गया, ठीक है ना, आईएएस हो गया। तो इस तरीके से आप लोग जो ऑफिसर्स देखते हैं ये सेंटर के द्वारा चुने हुए होते हैं, पर लेकिन काम कहां करते हैं, सर्व किसको करते हैं, स्टेट को सर्व करते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कैडर बोलते हैं कि उसको वो कैडर मिल गया, इसको ये कैडर मिल गया, ठीक है। तो वो कैडर जो स्टेट का दिया जाता है, पर लेकिन चुने किसके द्वारा जाते हैं, सेंटर के द्वारा चुने जाते हैं। ट्रेनिंग किसके द्वारा दी जाती है, सेंटर के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। काम किसके अंदर करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाके काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फेडरल सिस्टम भी यहां पर मेंटेन करने का काम करती है राज्यसभा। जबकि हम लोग काउंसिल पर अगर फोकस देकर चलेंगे तो ऐसा कुछ आप लोगों यहां पर नजर नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस आप लोग यहां पर याद रखिएगा। सेकंड जो आगे बात देखने को मिलेगी आप लोगों को, बात करते हैं हेटरोजीनियस, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहां पर कंस्टिट्यूट है, मतलब जो यहां पर चीजें मिली हुई हैं वो बिल्कुल रैंडम वे में है, मतलब यहां पर काउंसिल में नजर आएगा आप लोगों को। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था उस टाइम पर कि कितने मेंबर है, 1/5 मेंबर आप लोग, 1/6 मेंबर कुछ नजर आएंगे, 1/12 मेंबर कुछ नजर आएंगे, और जबकि राज्यसभा है उसमें कंप्लीटली आप लोग एक होमोजेनियसली नजर आएगी, वहां पर होमोजेनिटी नजर आएगी। वहां पे एक बार देख लीजिए आप लोग, रिवाइज एक बार आप लोगों का रिवीजन करा देता हूं फिर से, किस तरीके से आप लोगों ने मेंबर का यहां पर एक, आप लोगों ने एक पूरा बंडल देखा था, अलग अलग एरिया से मेंबर निकल कर आ रहे थे। 1/3 हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया था, लोकल बॉडी से मेंबर यहां पर चुनकर आ रहे थे, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिला था। 1/3 जो मेंबर आप लोगों के सामने यहां पर नजर आ रहे थे वो आप लोगों को नजर आएगा कि असेंबली से चुन के यहां पर मेंबर आ रहे थे। 1/12 मेंबर जो थे वो ग्रेजुएट यहां पर थे, ग्रेजुएट वोटिंग कर रहे थे। 1/12 यहां पर टीचर्स थे, और बचे हुए जो बच गए 1/6 थे वो नॉमिनेट किए जा रहे थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था टोटल कितना कितना मेंबर यहां पर क्या क्या कर रहा था। तो टोटल मिला के जो 5/6 मेंबर थे वो तो इलेक्शन होके आ रहे थे, और जो 1/6 बच गए वो यहां से नॉमिनेशन होकर आ रहे थे। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था टोटल डिटेल में, उस टाइम पर समझाया था कि अगर सबको यहां पर ऐड कर देते हैं तो आप लोग एलसीएम यहां पर 12 नजर आएगा, और 5/6 टोटल मेंबर आप लोग यहां पर इलेक्टेड आएंगे और 1/6 नॉमिनेटेड आएंगे। और जब आप लोग 5/6 और 1/6 का ऐड करेंगे तो आप लोगों को टोटल यहां पर क्या आएगा, 1 नजर आएगा टोटल मिला के। तो टोटल मेंबर यहां पर आप लोगों के सामने निकल के आएंगे फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कितना 1 में से अगर डिवाइड करते हैं तो कहां कहां कितने कितने मेंबर यहां पर जा रहे हैं, तो वो मैंने आप लोगों को डिविजन पूरा समझाया था। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन जब बात करते हैं यहां पर राज्यसभा की, तो आप लोगों को एक होमोजेनिटी नजर आएगी वहां पर। ऐसा नहीं दिखेगा कि कहीं टीचर्स आ रहे हैं यहां पर, कहीं कोई आ रहा है निकलकर, यहां पर ऐसा नहीं दिखेगा। यहां पर एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट दिखेगी मेनली आप लोगों को, ठीक है। स्टेट के मेंबर यहां पर आप लोगों को सारे नजर आएंगे, तो इसलिए आप लोगों को यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिखती है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है एज कंपेयर टू इसकी, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहां पर माइंड में रख सकते हैं। और वहां हम लोगों ने देखा कितने मेंबर नॉमिनेटेड थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर नॉमिनेटेड थे, और यहां पर आप लोगों को ओनली 12 मेंबर नॉमिनेटेड नजर आएंगे। तो ये भी आप लोग काफी डिफरेंस यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है अगर हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ में उसको कंपेयर करें तो। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं। अगर हम लोग, राज्यसभा पूरा रोल प्ले करती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में, पर लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल आप लोगों को दूर दूर तक भी नजर नहीं आएगी जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की हम लोग बात करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर लीजिए, वहां पर राज्यसभा रोल प्ले करती हुई नजर आती है, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पर कहीं भी रोल प्ले करती हुई नजर नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की इंपॉर्टेंस कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है अगर बात करें राज्यसभा के सामने भी, ओके। और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कंपेयर किया गया है यहां पर, जो आप लोगों का स्टेट का जो मॉडल नजर आ रहा है हमारे यहां पर, स्टेट का जो लेजिस्लेशन का मॉडल है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के मॉडल से आप लोगों को यहां पर प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। ब्रिटेन में आप लोग देखने को मिलेगा इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल आप लोग मान सकते हैं, जिसको यहां पर हाउस ऑफ द लॉर्ड्स बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरीके से इसको देख सकते हैं, ये अपोज नहीं कर सकता है, ये जो बात लोगों के सामने रहेगा ना, ये हाउस ऑफ द लॉर्ड्स रहेगा, तो हाउस ऑफ द कॉमन्स की पावर ज्यादा होती है, उसको कहीं पर भी अपोज नहीं कर पाएगा, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं यहां पर, ठीक है। और इसको आप लोग समझ सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसको समझ सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस तरीके का यहां पर आप लोग रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, जिस तरीके से वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड कुछ नहीं कर सकता, हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने सारी पावर हाउस ऑफ कॉमन्स में नजर आएंगी, उसी तरीके से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में सारी पावर नजर आएंगी एज कंपेयर टू बात करें अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की। और जो यहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड है, ये ओनली जो बिल को मैक्सिमम 1 ईयर तक, तो नॉर्मल बिल को जो कि ऑर्डिनरी बिल होता है उसको डिले कर सकता है, और मनी बिल को ओनली 1 मंथ तक डिले कर सकता है।
हमने क्या देखा था जब हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली डिस्कस कर रहे थे, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो यहां पर 3 मंथ ही तो पहली बार अगर इंट्रोड्यूस किया गया उसको डिले कर सकती है, और 1 मंथ और जब सेकंड बार इंट्रोड्यूस किया गया तब उसको डिले कर सकती है, और मनी बिल को 14 डेज, चाहे राज्यसभा की बात कर लीजिए चाहे काउंसिल की। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अगर ब्रिटेन के मॉडल के साथ भी कंपेयर करें तो यहां पर कुछ कुछ आप लोगों को चीजें नजर आएंगी कि हाँ ऐसा ही कुछ कुछ मॉडल हमारे यहां पर रखा गया है कि अपर हाउस जो है यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको ज्यादा पावर नहीं दे रखी है एज कंपेयर टू लेजिस्लेटिव असेंबली के, इसीलिए इसको डिस्क्राइब किया जाता है सेकेंडरी चैम्बर। ठीक है, मतलब सेकेंडरी चैम्बर है ये, प्राइमरी हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सेकेंडरी वर्ड यूज किया जाता है, जबकि हाउस के लिए हमने देखा था राज्यसभा के लिए क्या वर्ड यूज किया था हम लोगों ने, सेकेंड चैम्बर, ना कि सेकेंडरी चैम्बर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए फोकस देकर बोल रहा हूं आप लोगों को। सेकेंड बात क्या की जा रही है यहां पर, इसको एक कॉस्टली ऑर्नामेंटल लग्जरी बोला जाता है, मतलब जिसके पास में पैसे हैं, जिसके स्टेट के पास में अच्छा खासा धन है वो इस चैम्बर को बना सकता है। यहां पर व्हाइट एलिफेंट बोला जाता है, व्हाइट एलिफेंट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीजों पे खर्चा करना जिसकी जरूरत ही नहीं है, फालतू में पालना चीजों को। तो इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो हमारे यहां पर आप लोगों ने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो गठित की गई थी उसने भी बोला था कि जिस स्टेट की विल है और जिस स्टेट के पार्ट में मनी है वो अगर चाहे तो इस चैम्बर को लेके आ सकता है, वरना इस चैम्बर की कोई जरूरत नहीं है अगर ढंग से हम लोग देखें तो। ठीक है, यहां पर असेंबली में भी इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट करेगा, पैसे को वेस्ट करेगा और फालतू में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे देगा जिसकी स्टेट के लेवल पर कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन जो काम है वो सेंटर के हाथ में है, स्टेट को तो बस अपना स्टेट के अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर कंट्रोल करके चलना है। तो ये बात कई बार बोली जाती थी और कई बार क्रिटिसिज्म इसके लिए भी होता है, कई बार क्रिटिसिज्म आप लोगों को काउंसिल का इसलिए भी किया जाता है कि इसको रिफ्यूजी की तरीके से देखा जाता है, मतलब जो भी असेंबली में मेंबर हार जाते हैं उनको फिर से उसमें बैठाना, स्टेट लेजिस्लेचर में बैठाना ले जाके, तो बैकडोर एंट्री मानी जाती है इनको, मतलब जाओ यहां पर अगर कोई हार गया काउंसिल में उसको आप लोगों को पता है 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करना है, जो हार गए उनको ले जाके काउंसिल में बैठा दो। और हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वाले लेक्चर में किस तरीके से कि अगर चाहे कोई काउंसिल का मेंबर हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है और वो मिनिस्टर भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान हार जाता है और उनको लगता है फिर भी उसको मिनिस्टर बनाना है, चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो बैकडोर एंट्री दी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ नॉमिनेशन, गवर्नर की हेल्प से 1/6 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। तो जितने मेंबर ये चाहे उसको नॉमिनेशन के बेस पर यहां पर गवर्नमेंट में ले जाके बैठा सकते हैं। तो रिफ्यूजी हाउस भी बोला जाता है इसको, इसीलिए कि रिफ्यूजी की तरीके सर्व करता है, जो वहां पर असेंबली इलेक्शन में हार जाते हैं उनको बैकडोर एंट्री दी जाती है इसकी हेल्प से, इसलिए भी इसका कई बार क्रिटिसिज्म किया जाता है। पर लेकिन सारी बातें नेगेटिव नहीं है, कुछ बातें पॉजिटिव भी बोली जाती हैं। देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ लेस पावर तो दे रखी है, पर कहीं ना कहीं अगर भले ही कितना ही आप लोग बोलिए इसको कि हाँ कुछ काम नहीं करता है फलाना ढिमकाना, कुछ भी बात बोल लीजिए आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा 3 डेट मूवी में भी वो बोलता है ना कि एक चौकीदार था वो बहरा था पर फिर भी एक सांत्वना रहती थी कि हाँ कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिस्कस करते ही होंगे ना लोग, यहाँ पर लोग बैठे हुए तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे ना, अगर कोई बिल यहाँ पर जा रहा है कुछ ना कुछ तो उसके अंदर कमी निकालेंगे ही ना, तो कम से कम अगर कोई ढंग का प्रोसीजर का लेजिस्लेशन यहाँ पर निकल के आ रहा है एक प्रॉपर प्रोसीजर में से होके तो वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब लार्ज स्केल पर जनता के ऊपर अगर कोई लॉ इंप्लीमेंट किया जाएगा, एक एक्ट बन के आएगा, अगर वो दो जगह से निकल के आ रहा है तो वो ज्यादा इफेक्टिव निकल के आएगा एज कम्पेयर टू अगर वो सिंगल जगह से पास होकर आ रहा है। तो कम से कम आप लोग ये बात जरूर याद रखिएगा, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो दो जगह से निकल के आएगा तो उसको ज्यादा रेक्टिफाई किया जाएगा, उसके अंदर से जो कमियां है वो ज्यादा निकाली जाएगी, दूर करी जाएगी और उसको एक अच्छा लेजिस्लेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह कि हाँ हम लोगों ने मान लिया कि रिफ्यूजी एंट्री दी जाती है, पर लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे आप लोग सचिन तेंदुलकर ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो इंसान होते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो काफी अच्छे अच्छे अपने फील्ड में होते हैं, वो भी अगर चाहें अगर वहां पर उनको भी भेजा जाए अंदर तो उनके लिए एक एंट्री मानी जाती है कि जो बंदे मतलब आप लोग जनता में जो ज्यादा चाहते नहीं है एक तरीके से, अगर उनको इलेक्शन में खड़ा करे तो इलेक्शन में ज्यादा नहीं जानते इलेक्शन के बारे में और वोटिंग दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, पर फिर भी उनको असेंबली में भेजना है ताकि असेंबली को कुछ अच्छे आइडियाज मिल सके। एक आप लोग देख सकते हैं, एक एमिनेंट पर्सन अगर वहां पर पहुंचेगा, कोई राइटर हो गया, कोई अच्छा खासा कोई ऐसा अपने फील्ड में हो गया, कोई इकोनॉमिस्ट हो गया, किसी को फिजिक्स की बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो किसी को वुमेन से रिलेटेड प्रोफेशन जो हो गए उनसे ज्यादा नॉलेज है, किसी को सोशल वेलफेयर स्कीम की बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो ऐसे ऐसे जो प्रोफेसर्स हो गए, जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हो गए, उनको यहाँ पर जो एक्सपर्ट हो गए अपने अपने फील्ड के, उनको एक तरीके से डायरेक्ट एंट्री दी जाती है यहाँ पर बिना इलेक्शन फेस किए हुए, क्योंकि इलेक्शन में वो हो सकता है ना जीत के आए, पर लेकिन अगर उनकी एंट्री एक बार दे दी जाए तो फिर जो वहां पर जो आप मान लीजिए एक बार को लेजिस्लेशन फिर जब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचेगा कोई बिल तो वहां पर उस पर अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा और ये अच्छे अच्छे सजेशन यहाँ पर दे सकते हैं कि हाँ आप लोग ये चेंज इसमें कर सकते हैं, जो कि एक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन आप लोगों के सामने होता हुआ नजर आएगा।
ठीक है, गवर्नर 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है काउंसिल में, तो एक रिप्रेजेंटेशन यहां पर ऐसे लोगों को भी मिल जाएगी कि हाँ इन लोगों को भी यहां पर पहुंचाया जा सकता है, जो एमिनेंट पर्सन होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के, तो ये भी कम से कम एक अच्छा लेजिस्लेशन वहां पर देंगे तो अच्छी तरह इंप्लीमेंट होगा, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो और इफेक्टिवली यहां पर उभर कर आएगा और जनता तक ज्यादा तरीके से उसको पहुंचाया जाएगा। और एक अच्छा लेजिस्लेशन मिलने के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्राउंड लेवल पर जब इंप्लीमेंट होगा तो वो एक्चुअल में रिजल्ट दिखाएगा, ऐसा नहीं है कि बस वो कागजों पर रह गया है, पेपर पे रह गया है। तो ये सारी बातें भी यहां पर बोली जा रही है इसके सपोर्ट में, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जाती है, जितना नेगेटिव बोला जाता है उतनी ज्यादा आप लोगों को यहां पर इंपॉर्टेंस भी नजर आएगी। तो इस तरीके से नेगेटिव नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखना है, पॉजिटिव दृष्टि से भी देखना है थोड़ा सा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लेक्चर, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी पेड़ पौधों को सेव कीजिए जितना जैसे हो सकता है, और पॉलिथीन वगैरह को कम से कम यूज कीजिए। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही, अगर लेक्चर पसंद आया तो चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो राजसभा की न्यूज, और भी कई सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे वीडियो के जस्ट। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।